और यह मेरे लिए स्वतंत्र करने वाला सत्य रहा, और यह संसार की जो भी विचार है मेरे लिए, मेरे विषय में, इस संसार में जिस किसी के विचार है वो कचरे के डब्बे में डालने के योग्य हैं। यदि किसी के विचार जो आपके प्रति है आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको विचलित करते, तो आप कभी भी यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। और वह व्यक्ति आपके विषय में किसी भी परिस्थिति में कितना जानता है, हो सकता है कि वो आपकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि आपसे जलन रखता हो या क्रोधित हो, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु उनके जो ओपिनियन है, उनके जो विचार है आपके लिए, वो कूड़े के डब्बे में डालने के योग्य है। और यही बात लागू होती है जब कोई आपकी प्रशंसा करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि 10,000 लोग आपको स्वर्गदूत कहेंगे तो क्या आप स्वर्गदूत बन जाएंगे? नहीं। यदि 10,000 लोग आपको पवित्र व्यक्ति कहेंगे तो क्या आप पवित्र व्यक्ति बन जाएंगे? नहीं। हम इस बात को जानते हैं। यदि 10,000 लोग आपको शैतान कहेंगे तो क्या आप शैतान बन जाएंगे? नहीं। तो ये सारी बातें क्यों हमें इतनी विचलित करती, परेशान करती हैं, और क्यों हम इन चीजों से विचलित हो जाते हैं? जब किसी व्यक्ति ने हमारे विषय में कुछ बुरा काम है पता चलता, तो हम क्यों विचलित हो जाते हैं? मुझे एक संत के विषय में बात याद आती है, परमेश्वर के संत के विषय में। और यदि वे वास्तविकता में मेरे विषय के सत्य को जानते तो जो बातें कहें उससे कहीं बदतर बातों को कहते। क्या यह सत्य नहीं है? कई बार लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते और कहते, हे परमेश्वर, मैं कितना अभागा तुच्छ पापी हूं। और दूसरे दिन जब वे सुनते हैं कि किसी ने उन्हें पापी करके बुला दिया, तो उन्हें बहुत विचलन हो जाता है। तो ये बात को दर्शाता है कि हम प्रार्थना में केवल धर्मी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम किसी और व्यक्ति को बिल अनुमति नहीं देंगे कि वह हमें पापी करके बुलाए। जो लोगों के विचार है हमारे लिए, वो केवल कूड़े के डब्बे में डालने के योग्य है, क्योंकि अंतिम दिन में परमेश्वर उस बातों से हमारा न्याय करेगा जिन बातों को वह हमारे भीतर देखता है। बाइबल कहती, पहला कुरंथी 4 अध्याय में और उसके 5वें वचन में, और समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो, परंतु परमेश्वर के आने तक ठहरे रहो, क्योंकि जब वह आएगा तो वह अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। और मैं मानता हूं कि हम में से हर एक के पास यह अनुभव रहा होगा कि जहां पे हमने अच्छे अभिप्राय से कोई काम किया, आपने कुछ अच्छे अभिप्राय से बात की, परंतु लोगों ने उसे गलत समझा। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी, पड़ोसी या भाई या बहन, किसी ने उसे आपको गलत समझ लिया, परंतु आपने अच्छे मन से किया, और आपने सोचा कि क्यों ये लोगों ने मुझे गलत समझा, मेरा तो मन ऐसा नहीं था। परंतु परमेश्वर जिस रीति से मनुष्य आपका न्याय करते हैं, वैसे वो आपका न्याय नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मन के अभिप्रायों को देखता है। यशया 2 अध्याय में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वह वचन है जिसने मेरी सहायता की जब मैं प्रचार करना आरंभ किया था। उस समय मैं 23 वर्ष की आयु था जब मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आरंभ किया, और हर एक जवान व्यक्ति के समान, और लोगों के सामने खड़े होने के लिए मेरे अंदर बहुत डर रहता था, और मैं बहुत विचलित हो जाता था, घबरा जाता था, मैं उन्हें खुश भी करना चाहता था। मैं उस समय तक पब्लिक स्पीकर नहीं था, और मैंने ऐसे कभी कंपटीशन में स्कूल कॉलेज में भाग भी नहीं लिया था। और जब मैं लोगों के सामने खड़ा होता था तो मैं नर्वस हो जाता था, और मेरे अंदर एक बड़ी लालसा थी कि जो हर एक जवान प्रचारक के अंदर होती, कि लोगों को प्रसन्न करे, खुश करे, और उसने मुझे सीमित कर दिया, मुझे रोक दिया। और तब मुझे यह वचन मिला यशया 2 अध्याय से और उसके 22 वचन से, और मुझे नहीं पता आपके लिए, परंतु मुझे तो इसने स्वतंत्र करके रख दिया। यशया 2 का 22, जहां पे परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो जिनकी श्वास उनके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। और मैं आपको बताना चाहूं कैसे इस वचन ने मुझे स्वतंत्र किया। इस वचन से परमेश्वर मुझे कह रहा था कि हर एक मनुष्य वह इसलिए जीवित है क्योंकि उसके नथनों में श्वास है, और जिस क्षण मैं उसके नथनों से श्वास को ले लूंगा तो वह मनुष्य मिट्टी हो जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हम इस बात को जानते हैं? और जब एक मनुष्य की श्वास उससे ले ली जाती है तो कुछ ही समय में वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। और जिस बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा भैया, कि जब तू लोगों से बातचीत कर रहा है तो कल्पना कर कि तेरे सामने छोटे छोटे मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, और उनके उनके नथनों में थोड़ी सी श्वास है, इसलिए वे इधर उधर हिल डुल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, परंतु अलग अलग रंग के तेरे सामने मिट्टी के ढेर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने मेरे जो वाकई में स्वतंत्र कर दिया, और मैंने कहा, प्रभु जी ये तो इतने से ही है।
और क्या मैं इस बात से विचलित हूंगा कि मिट्टी के ढेरों के अंदर थोड़ा सा इनके नथनों में श्वास है, और यहां पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के मैं खड़ा होकर के यहां पे बोल रहा हूं, क्या मैं इनसे डरूंगा? ये तो केवल मनुष्यों के विचार है मेरे लिए, और ये मुझे इतना स्वतंत्र कर दिया उस दिन, और अनेक वर्षों तक मैंने इस बात को जाना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे तैरने में समय लगता है, वैसे इन चीजों को सीखने में समय लगता है, परंतु कुछ समय बीचने के बाद ये आपकी आदत बन जाती है। कहना है कि प्रभु जी, मैं वास्तविकता में आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं आपके दिल को खुश करना चाहता हूं, मनुष्यों के दिल को नहीं। और यह बाकी और भी क्षेत्रों में लागू होता है। यदि आप कहें कि प्रभु जी, मेरे जीवन में मैं इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते, परंतु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। और मुझे याद आता कई बार जब मुझे पब्लिक में मुझे प्रार्थना करने पड़ती है, क्या तो 5-10 लोगों की सभा में या चर्च की सभा में मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, और मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस था, संवेदनशील था, सतर्क था कि लोग मेरी प्रार्थना को सुन रहे कि नहीं, और मैं इस रीति से प्रार्थना करना चाहता था कि मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं। और मुझे बहुत एक्साइटेड महसूस होता था जब कोई मेरी प्रार्थना के बीच में आमीन या हालेलुया कहता था, और मैं मानता हूं कि हम सब ऐसे ही हैं। और जब मैं घर आता और मैं कहता प्रभु जी, और मैंने वो प्रार्थना को तुझसे नहीं कहा है, और वह केवल स्पष्ट पाखंड था, और मैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, और यही तो एक औपचारिक बात होती है मीटिंग में प्रार्थना करना। और मैंने प्रार्थना की, और मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या प्रार्थना किया, और इसलिए कि मुझे प्रार्थना करने को कहा गया था मैंने प्रार्थना कर दी। और चीज यह कि हम सब इसे करते हैं, परंतु यदि घर जाने के बाद यदि आप उन चीजों के लिए अपने आप को जांचेंगे नहीं, तो आप कभी उससे स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, और 50 वर्ष बीतने के बाद आप इस रीति से प्रार्थना कर पाएंगे, मैं घर जाकर के कहता था प्रभु जी, मैं इस चीज से स्वतंत्र होना चाहता हूं कि जब मैं पब्लिक मीटिंग में जब प्रार्थना करूं, ठीक वैसे ही प्रार्थना करना चाहता हूं जैसे मैं एकांत में घुटना टेक करके तेरे सामने प्रार्थना करता हूं, जहां पे कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा, परंतु केवल तू और मैं। इसी रीति से मैं लोगों के सामने भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मैंने कहा। परंतु एक युद्ध था, अनेक वर्षों तक मेरे लिए एक युद्ध था, जब तक कि फिर मैं एक दिन पहुंचा कि जहां पे मैं लोगों के सामने प्रार्थना कर पाता था, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग सुन रहे कि नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर यदि आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे तो आप पाएंगे कि किस रीति से हमारे सबसे पवित्र गतिविधि में भी हम मनुष्यों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, जब आप मनुष्यों की खुश करने की कोशिश करते हैं, एक जंजीर के समान है जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है, और आप ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करें परंतु आप कोई प्रगति नहीं करें, क्योंकि यह जो जंजीर है आपको पीछे खींचती रहती है, और हमें इस जंजीर को तोड़ने की आवश्यकता है, और हमें मनुष्य क्या सोचते हैं इसको कचरे के डिब्बे में डाल देना है, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह व्यक्ति मेरी प्रार्थना से खुश नहीं हुआ। मैं उस व्यक्ति से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और यह तो एक क्षेत्र है, और यह कोई और क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि जब कभी मैं बोलता हूं, और मैंने अनेक वर्षों तक ऐसा किया है, आज 45 वर्ष बीत गए मुझे प्रचार करते हुए, मैं घर जाकर के अपने आप से यह प्रश्न पूछता हूं, प्रभु जी, मैंने प्रभु से पूछता हूं, क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैंने कह दी जो लोगों की सहायता नहीं करती थी, परंतु मैंने लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी प्रचार में। मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं, इन चीजों से स्वतंत्र, लोगों के विचारों से स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका यह है कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी से स्वीकार करना कि आप अनेक परिस्थितियों में मनुष्यों के विचारों की खोज करते हैं, या आपने इन बातों को इसलिए कहा मनुष्यों को खुश करने के लिए, और कहना है कि प्रभु जी, मैं तुझे खुश करना चाहता हूं। और अद्भुत बात यह है कि और जब हम इस भावना से स्वतंत्र होंगे मनुष्यों के विचारों से, और जो मनुष्यों की जो सोच है हमारे लिए, वह एक जंजीर के समान है जो हमें पीछे खींचती है, जो बहुत सारे विश्वासियों को पीछे खींचती रहती, ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए पूर्ण उद्देश्य को पूरा ना कर पाए। और आप देखिए कि आपके मसीही जीवन कितना ज्यादा बाधा में आ जाता है, क्योंकि आप इस बात की चिंता करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, वह बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों की परवाह करना बंद कर दे, उसकी श्वास उसके नथनों में है, तू उसके अभिप्रायों की, उसके शब्दों की क्यों चिंता करता है। और जब मैंने इन वचनों की तुलना की जिसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के विषय में कहा, यीशु मसीह के बपतिस्मे के ऊपर, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं,
और यीशु मसीह ने उस समय 30 वर्ष तक क्या किया था जिसने परमेश्वर पिता को इतना प्रसन्न किया? उसने कोई आश्चर्यकर्म नहीं किया, उसे दुष्टात्मा नहीं निकाला, उसने एक सर्मन प्रचार नहीं किया, उसने किसी बीमार को चंगा नहीं किया, और जिसे हम सेवकाई कहते हैं उसमें से किसी भी एक काम को यीशु मसीह ने नहीं किया था। उसने केवल इतना किया था, यूसुफ और मरियम को उसने आदर किया, घर में अपने छोटे भाइयों प्रति का उसने अच्छा आदर सम्मान से बातचीत किया, और हो सकता है छोटे छोटे टेबल कुर्सियां बनाई उसने अपने पिता के कारखाने में। परंतु किस कारण से पिता उससे प्रसन्न था? और हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर का महान जन जो इधर उधर प्रचार करता है परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है, परंतु यीशु मसीह ने इस बात को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि उसके जीवन के 30 साल के अंत में केवल नासरत में रहते बिना सेवकाई के, बिना ट्रेवल किए और बढ़ाई होने के नाते, और उसने कभी प्रचार नहीं किया था, और पिता उससे कहता कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और वो कौन सी बात थी जिसने पिता को प्रसन्न किया था कि उन हर एक चीजों में जिसे यीशु मसीह ने उन 30 वर्षों में किया, वह केवल परमेश्वर की ही अभिप्राय की खोज करता रहा, और उसने कहा कि मैं केवल उन्हीं कामों को करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। आप इसे अपना उदाहरण बना लें और कहें कि प्रभु जी, मैं उस जगह में पहुंचना चाहता हूं, चाहे मुझे वहां पहुंचने में 10 वर्ष क्यों ना लग जाए, और मैं कहता हूं प्रभु जी, यदि मुझे 10 साल ही क्यों ना लग जाए वहां पहुंचने, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आप इसे सुन करके कह सकते कि कल से मनुष्य के विचारों के विषय में चिंता नहीं होगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुरंत विलुप्त नहीं होगा, हो सकता है 10 साल लग जाए आपको इसके ऊपर जयवंत होने में, परंतु आप हार ना माने। जब कभी आप निराश हो जाए दूसरों के ओपिनियन से, जब कोई आपको अच्छा कहे, आपकी तारीफ करे, तो आप ऊपर फूल जाए। और मैंने कहा, प्रभु मुझसे कह रहा था कि मैं तुझे एक ऐसी जगह में लाना चाहता हूं जहां पे मनुष्यों की जो आलोचनाएं हैं वो तेरे हृदय में एक हल्की सी विचलन उत्पन्न नहीं करेगी, तेरे हृदय में पंख भी नहीं हिलेगा। परंतु उससे भी कठिन क्या है कि जो मनुष्यों की तेरे प्रति स्तुति है वह भी तेरे हृदय में एक पंख को नहीं हिला पाएगी। तब तो तू वास्तविकता में लोगों के सोच विचार से स्वतंत्र हो सका। और इस एक वचन के अनुसार गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10वां वचन, और मैं अपने अंदर देखता हूं कि एक धुन है यीशु मसीह का सच्चा सेवक बनने के लिए। और जैसे मैं अपने आसपास मसीही जगत में, कलीसिया में और उन कलीसियाओं में देखा, मैं बहुत ही कम लोगों को पा पाया, बहुत कम लोगों को प्राप्त कर पाया जिन्हें मैं कह पाऊं कि ये परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जो सच्चा वास्तविक दीन और नम्र व्यक्ति है, अनॉइंटेड है, पावरफुल व्यक्ति है। और यह बात सत्य अनेक जगहों में, और मेरे अंदर खुद यीशु मसीह का सेवक होने के एक बहुत बड़ी लालसा थी जवान मनुष्य होने के नाते। परंतु गलाती 1:10 में मैं पढ़ा, जहां पे अंतिम बात में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। और इसे मैंने लकड़ी की तख्ती में लिखा, और मैंने अपने घर के बैठक रूम में इसे अनेक वर्षों तक लगा के रखा, और देखते रहा। मैंने कहा कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करूंगा तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता, और यह बात मेरे दिमाग के अंदर तक घुस गई। यदि आप परमेश्वर का दास होना चाहते हैं तो आपको कभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने की खोज नहीं करना, आपको केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज करना है, आपको केवल परमेश्वर के प्रति संवेदनशील रहना है कि वो आपको देख रहा है। और मैं हमेशा सावधान रहता हूं जब भी मैं प्रचार करता हूं, और मैं मानता हूं कि यीशु मसीह सबसे प्रथम कुर्सी में बैठ करके मेरी सुन रहा है। कल्पना करिए, यीशु मसीह वास्तविकता में फिजिकली आपके सामने बैठा है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग मेरे सर्मन के विषय में क्या सोचते, परंतु मुझे कंसर्न रहेगा कि यीशु मसीह मेरे विषय में क्या कहता है। और मैं कहता हूं, प्रभु जी, यहां पे जहां तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां पे मैं उपस्थित होता, और मैं मानता हूं प्रभु जी तू यहां पे है, और हमें वास्तविकता में इस भावना से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे जीवन का जहां हमें स्वतंत्र होना है, जहां पे हम इस बात को जाने कि मनुष्यों का जो अभिप्राय है, मनुष्यों की जो सोच है, वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। जब मैं मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर इस संसार के किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछेगा कि तुम जैक पुनन के विषय में क्या सोचते हो। वो किसी भी व्यक्ति की रिकमेंडेशन को नहीं चाहता है, उनकी सिफारिश को नहीं चाहता है। और हमने अपनी कल्पना का भूतकाल के दिनों में बहुत गंदी गंदी चीजों के लिए इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं कि अब हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए क्यों ना कर सके। और कई बार मैं कल्पना करता हूं कि मसीह आ गया है और उसे अपना न्याय का सिंहासन लगाया है, और एक एक करके वो लोगों को बुला रहा है, और एक एक करके लोग उसके सामने आ रहे हैं, और फिर मेरा नाम आता और मैं उसके सामने खड़ा हूं, और मैं कल्पना कर रहा हूं कि कैसे वो मेरे पूरे जीवन का न्याय कर रहा है, और मैं पा रहा हूं कि जो भी लोगों ने मेरे विषय में बातें कही हैं उन बातों का यीशु मसीह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे अंदर अंदर तक जानता है। और मैं इसे कहता हूं कि प्रभु जी, मैं तेरे सामने खड़ा हूं।
और ठीक वैसे ही जैसे आप एक परीक्षा का अभ्यास करते हैं, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अंतिम दिन में होगी जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। और इसने मेरी बहुत सहायता की कि मैं स्वतंत्र हो सकूं मनुष्यों के अभिप्रायों से स्वतंत्र होने के लिए। यदि इसे आज आप नहीं जानते हैं तो जब आप मसीह आएगा तो आप इन बातों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि जो भी बातें मनुष्य आपके विषय में सोचते थे, आपके विषय में जो अच्छा कहते थे, बुरा कहते थे, वे केवल कचरे के डिब्बे में डाले जाने के योग्य है। और मैं एक क्वालिफिकेशन के साथ इस बात को कहता हूं, वह है यदि वह सचमुच में एक भक्तिमय पुरुष है जिसने आपको आपके विषय में ओपिनियन दिया, कोई राय दिया है, तो मैं उसे गंभीरता से लूंगा, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के मन को प्रकट करता होगा। यदि प्रेरित पौलुस यहां पर रहता, यदि प्रेरित पौलुस आकर के मेरे विषय में कुछ बातों को कहता, तो उस बात को मैं गंभीरता से लेता, क्योंकि वह एक ऐसा पुरुष है जो परमेश्वर के साथ निकटता से चल रहा है। वह मेरी क्रिटिसाइजिंग नहीं कर रहा, आलोचना और मेरी स्तुति नहीं कर रहा, परंतु वह मेरी सहायता कर रहा कि मैं अपने आप को देख सकूं। और यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है जिस व्यक्ति को मैं अनुमति देता हूं मुझे बताने की।